आज जिम का था लास्ट डे और आज लगा ली एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज बनी आज जिम की। जिम मैंने छोड़ दिया, ये वाला जहाँ मैं कर रहा था इसको छोड़ने के पीछे यार बेसिक रीज़न था, एक ना जिम का ट्रेनर है यहाँ पे, वो यार मैं वो उसकी वजह से बेसिकली मैंने ये जिम छोड़ा। मैं एक्सरसाइज लगाता था, मैंने जैसे कोई डंबल वगैरह निकाला एक्सरसाइज करने के लिए रखा और मैं कुछ बेल्ट वगैरह लेने के लिए दूसरी जगह बेल्ट पड़ी, वहाँ से अगर लेने के लिए गया हूँ कि मैं वो लगाऊंगा फिर मैं अपनी एक्सरसाइज लगाऊंगा, वापस रीरैक कर देता था डंबल्स को और वो जानबूझ के करता था। मैंने कई बार देखा वो उसको रखने के बाद ना फिर कोई सामने कोई गर्ल या कोई खड़ी है ना उसका होता है, देखो लोग अपना सामान भी वापस रखते, मतलब इस तरह के एक्सप्रेशन देता था उसे सामने। मैंने कहा यार तू उसको इम्प्रेस करने के लिए जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको क्यों हार्म कर रहा है भाई, दिस इज नॉट फेयर। चलो मैं बहुत देर तक निगलेक्ट करता रहा, काफ़ी दिन ये सब चीज़ें ऐसी होती रही। जब मैं एक्सरसाइज करने लगा हूँ माना मुझे कुछ रिकॉर्डिंग करनी है और मैं बकायदा इस बात का ध्यान रखता था कि मैं एंगल ऐसा यूज़ करूँ जहाँ बैकग्राउंड में कोई और ना आए, किसी की प्राइवेसी को मैं डिस्टर्ब ना करूँ, बाकी काफ़ी लोग रिकॉर्डिंग करते थे तो देर इज़ नो सच प्रॉब्लम। इवन जो मैनेजमेंट है वो भी कहती थी ऐसा अपने आप को रिकॉर्ड करो, अपने आप को एनालाइज करो, देखो कि किस तरह से आप गलती कर रहे हो। ये सब मैं एक्सरसाइज करने के लिए कैमरा लगा रहा हूँ तो आगे पैर ला के रख रहा अपने यार कैमरे के आगे, अगर मैंने नीचे एक लो एंगल में रखा हुआ ना जानबूझ के उसके आगे पैर रख देगा ताकि रिकॉर्डिंग ना हो, और उसको दिख रहा है वो जानबूझ के कर रहा है, उसको ये भी पता लग रहा है मुझे पता लग रहा है। तो मैंने कहा यार लड़ाई झगड़े का तो कोई फ़ायदा नहीं है और उसको समझाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि समझना होता बंदे को तो पहले अपने आप ही समझ जाए यार ये किस तरह की चीज़ कर रहा है। अगर अगला बंदा आपको कुछ बोल ही नहीं रहा, कुछ कह नहीं रहा, अगर हेल्प के लिए भी उसको बुलाया, एक बार मैंने उसको हेल्प के लिए बुलाया तो खुद ही मजाक उड़ाने लग गया कि दो तीन सेट ही लगे जी आपसे, तो उसके बाद तो मैंने ही सारा किया हेल्प में। मैंने कहा भाई ये बात तो सही नहीं है, अगर लगना होता खुद ही सेट लगना होता तो मैं हेल्प के लिए बुलाऊंगा ही नहीं आपको, मैं खुद ही कर लूंगा। देन आई डिसाइडेड ओके टाटा बाय बाय खत्म छोड़ते हैं अभी कोई और जिम। मैं वैसे ज्वाइन नहीं किया, ये जिम ज्वाइन करने के पीछे ये भी रीज़न था, ये जिम यार सस्ता था, इट्स वेरी चीप एज कम्पेयर टू बाकी के जिम, और फैसिलिटीज अच्छी थी, डांस वगैरह भी करना था यहाँ पे मिल जाता था, आप डांस भी कर सकते हो जिम भी कर सकते हो। 3500 rupees फॉर 3 months था तो ये बहुत सही कॉस्ट पड़ रही थी, इतने में तो कोई भी नहीं मिल रहा, 5000 पर महीने का जिम मिल रहा है यार। मैं जा रह रहा हूँ यहाँ बहुत महंगे जिम है, और एक जिम मिला मेरे को मैट्रिक्स MMA मैट्रिक्स पर, वो 10000 रुपये मांग रहे हैं 4 महीने के, यानी वो 2500 रुपये पड़ेगा महीना, वो भी महंगा पड़ रहा है। तो देखता हूँ मैं आजू बाजू कोई मिलता है तो ठीक है, नहीं तो साइकिलिंग करेंगे या फिर खुद से यहाँ पे स्टेडियम है स्टेडियम जाएंगे वहाँ करेंगे। हाँ अगर वो ट्रेनर चेंज हो जाता है या चला जाता है मुझे पता लगता है तो मैं दोबारा से ज्वाइन कर लूँगा, वो जगह अच्छी है, इट्स ऑल गुड। मैं मैनेजमेंट को ज़्यादा कंप्लेंट भी करता बट मैं उसमें से हूँ, मैं किसी कंप्लेंट वगैरह नहीं करता, आई प्रेफर वही के छोड़ दो बेटर है, तो मैंने छोड़ दिया सिंपल सी बात। तो ये कुछ सामान मैंने मंगाया हुआ था अमेजोन से, इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहली चीज मैंने जो मंगाई है वो है ये है GoPro का हेड माउंट, ये होता है हेड माउंट। हेड माउंट बेसिकली किस लिए काम आता है, जहां लगा दिया मैंने इसको हेड माउंट को और यहाँ पे लग जाएगा GoPro, उसके बाद मैं कुछ भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। अगर मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, अगर मैं मोटरसाइकिल वगैरह चला रहा हूँ तब तो मोटरसाइकिल के आगे चिन माउंट आता है उससे हेलमेट पे लग जाता है और आप फिर रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके द्वारा मैं अगर साइकिलिंग वगैरह कुछ कर रहा हूँ तो यहाँ लगा सकता हूँ एंड देन आई कैन राइड साइकिल व्हाटएवर आई वांट टू डू और ये रिकॉर्ड करता रहेगा। अगर मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ तब भी कर सकता हूँ, अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो आपको ये नहीं दिखेगा कि मेरा कैमरा कहाँ माउंटेड है। सपोज मुझे अनबॉक्सिंग करनी है, अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, आपको ये चीज दिखेगी और मेरे दोनों हाथ दिखेंगे, आपको दिखेगा रिकॉर्ड कैसे हो रहा है, वो एक सरप्राइजिंग नोट सा होता है। दूसरी चीज इसी के अंदर से निकालते हैं, ये लो जी RJ45 CAT 6 केबल, मेरे पास जो राउटर है आपको दिखा रहा था एक केबल, ये जो एक मस्त राउटर है मैंने मंगाया हुआ है, राउटर नीचे पड़ा है, मैं राउटर दिखाता हूँ आपको। इस राउटर के यहाँ पीछे में केबल लग जाएगी ये वाली कैट 6 की और उसके बाद बूम नेट बहुत अच्छा आएगा, हो सकता है अगर ये अच्छा काम कर गया तो डेली व्लॉग्स है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये एक चीज मैंने मंगाई है, अब ये क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये देखो ये कुछ ऐसा है मामला, ज्यादातर आपने फ्लाइंग किस व्लॉग्स में देखा होगा, फ्लाइंग किस सर क्या करते हैं यहाँ लगाते हैं और फिर क्रिकेट खेलते हैं, या फिर ये वाला माउंट भी उनका लगा होता है हेलमेट के ऊपर और फिर क्रिकेट खेलते हैं। सीखते हैं हम बड़े बड़े व्लॉगर्स से, सीखते हैं, सीख के हम भी बड़े बनेंगे किसी दिन। एक खास चीज है ये है रॉयल इनफील्ड का किरिंग। मेरे पास बाइक नहीं है और इंस्टाग्राम पे आपने मेरे को फोटो वगैरह देखी होगी, मैं दोस्तों ही लेके फोटो खिंचा रहा हूँ, मेरे को बहुत शौक है, घर वाले नहीं मानते हैं
एंड लेनी तो है यार, इवन इफ आई हैव टू बी रेबल और कुछ भी बोलो, आदर्शवादी नहीं रहा, कुछ भी लेनी है, क्योंकि मेरा सपना यार, मैं 10वीं में था तब से है यार, मैं 15-16 साल का हूँ, तब से सपना है, मैं 31.5 साल का हूँ सर, 15 साल से कोई चीज दिल में दबा के रखी हुई है, चाहिए तो चाहिए, अब तो बस मान लिया है तो मान लिया है। तो ये रॉयल एनफील्ड की मैंने कीरिंग ली है, अब मैं एक लूंगा अच्छी वाला खूबसूरत सा हेलमेट, और वो हेलमेट मैं यूज नहीं करूंगा, वो हेलमेट मैं रखूंगा, जिस दिन मैं बाइक खरीदूंगा उस दिन मैं वो हेलमेट को डालूंगा। और मैं रॉयल एनफील्ड का मैं कौन सा मॉडल खरीदना चाहता हूँ, मैं मॉडल खरीदना चाहता हूँ रॉयल एनफील्ड का स्टैंडर्ड 350 नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाला है, क्योंकि जे सीरीज के इंजन वाकई बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है और लाजवाब है, सीधी बात बताओ। और जो अभी वाले इंजन है ना 350 सीसी वाले, उनमें क्या प्रॉब्लम है यार, आप रेव करते हो ना, आप हाईवे पे चला रहे हो सपोज, तो 80 की स्पीड आप इजीली टच कर जाते हो, इंटरसिटी बहुत अच्छी बाइक है, पर हाईवे पे चलाते टाइम ना 80 की स्पीड इज फील लाइक की यार वो वाइब्रेशन हो रही है ना, वो पसंद नहीं आता। तो 80 की स्पीड पे वाइब्रेशन हो रही है यार, इतनी स्पीड तो एक्टिवा 90 क्रॉस कर जाती है इजीली एक्टिवा, तो एक्टिवा में वाइब्रेशन नहीं होती यार, तुम वो सोचो बुलेट में हो रही है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ शायद बुलेट की वो एक क्वालिटी भी, बुलेट का जो बिहेवियर भी वैसा है, उस तरह से पसंद करते हैं। देखते हैं बुलेट की नेक्स्ट जनरेशन 350 जो जब आएगी, आई रियली वॉन्ट टू बाई, रियली वॉन्ट टू बाई, एंड मैं उसके लिए चीजें खरीदनी शुरू कर दिया। मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला पार्ट होता है क्या होता है, कि आप चीजों को खरीदना शुरू कर दो, मतलब उसके राउंड अबाउट की, मतलब जैसे छोटी छोटी चीजें जो जो आपको, जैसे ना मानो कोई भी चीज अगर आपको जैसे बुलेट में को चाहिए, तो बुलेट को सबसे पहले उसकी चाबी में क्या लगेगा, कीरिंग, कीरिंग ले लिया, हेलमेट, हेलमेट अच्छे वाला ले लूंगा, उसके माउंट, उसकी हर चीज मैं लेने शुरू कर दूंगा, उसकी एसेसरीज को इमेजिन करने लग जाऊंगा। मैंने सुना है कि मैनिफेस्टेशन ऐसे वर्क करती है, करती होगी तो आपके सामने होगा। चलिए पहले सबसे पहले मैं आरजे 60 का केबल है, आरजे 45 की, इसको लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद चलते हैं हेलमेट लेने। और कौन सा हेलमेट लेंगे, जबरदस्त वाला लेंगे, जबरदस्त। अभी ऊपर सारी वर्किंग चल रही है, तो ये सब ऐसा है, बाजू वाले का घर भी बन रहा है, तो उसमें तो ये थर्ड टाइम बन रहा है बाजू वाले का, तीन लोग आ चुके हैं सारे के सारे, यहाँ जो घर में रहना आता है बाजू वाले का अब्रॉड चला जाता है, अभी भी जो आ रहे हैं फॉल सीलिंग वगैरह बना रहे, ये भी अब्रॉड ही जाए। ये वाला आप देखने आओ, ये नॉर्मल है, पर ये साफ दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, ये थोड़ा यूं 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 हो रहा है। सारी कुशनिंग वगैरह खुल जाती है, तो इसको वॉश किया जा सकता है इजीली, और क्वालिटी इज वेरी गुड, बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। और इसका वाइजर जो है, ये वाइजर जो मैंने लिया है, ये वाइजर इसका ब्लैक कलर का है, मतलब टिल्ट बोले क्या बोले इस कलर को आई डोंट नो, बट डार्क है, इट्स इन डार्क कलर, और इसको मैं लाइट कलर में कर लूंगा। रीजन क्या है, दिन में चल तो जाता है पर रात को प्रॉब्लम आएगी इसकी, तो मैं देखता हूँ इसको, 210 रुपये का बता रहे थे, इसको चेंज कर रहा हूँ तो चेंज हो जाएगा, यहाँ से इसका लॉक है, खुल जाता है, और यहाँ ऊपर एयर वेंट है, इस तरह से आपने ओपन कर दिया, इस तरह से आपने क्लोज कर दिया, यहाँ से आपको दिखेगा ओपन होता हुआ, ओपन हो गया, यहाँ से क्लोज हो गया, एक एयर वेंट यहाँ पे भी है, अगर मैं इसको यहाँ नीचे करता हूँ ना, यहाँ पे, यहाँ से हवा जाएगी अंदर, अगर मैं इसे ऊपर करूँ आपको दिखेगा,
यहाँ से हवा जाएगी अंदर और इसको ऐसे ऊपर कर लूंगा, ये बंद हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, इसको जैसे खोला, यहाँ गोप्रो लगा होगा तो यहाँ पे माइक होगा लगभग यहाँ पे इसके पास, तो आवाज फिर कैप्चर नहीं करेगा, हवा जब अंदर जाएगी तो आवाज नहीं कैप्चर करेगा। तो ये वाले एयर वेंट को खोल देना दोनों को, तो उसके बाद क्या होगा कि हवा यहाँ से सर्कुलेट करेगी और अंदर ठंडा रहेगा, अच्छा रहेगा। फिलहाल डाल के दिखा, हैप्पी। और मैंने घर में नहीं बताया मैंने लिए, ब्लॉग देखते हैं मम्मी, देख लेंगे तो पूछेंगे तो बता दूंगा। क्योंकि रीजन क्या है, मेरा सपना है यार, एंड वो अगर इस चीज को नहीं समझेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, इस करके मैंने नहीं बताया। और हाँ, ये हेलमेट जो है मैं रेगुलर यूज में यूज नहीं करूंगा, ये हेलमेट मेरा बस अभी पड़ा रहेगा, इसको मैं पैक कर दूंगा आपके सामने। अभी मैं एक दूसरा हेलमेट लेके आता हूँ जो कि जिस पे GoPro माउंट करूंगा। एक ऑलरेडी हेलमेट था मेरे पास, एक्टिवा ही है घर पे, तो एक्टिवा में यूज करता था मैं, वो टूट गया, ऊपर से क्रैक हो गया, तो वो मैं यूज तो कर रहा हूँ बट वो GoPro का वेट नहीं सह पाता, वो नीचे आ जाता है। तो मैं दूसरा हेलमेट जाता हूँ भाग के तुरंत और वो हेलमेट लेके आता हूँ। वो हेलमेट सब देखेंगे, वो सस्ते वाला हेलमेट आता है 200-300 रुपए वाला, नहीं समझते। इट्स अबाउट सेफ्टी, इट्स अबाउट योर ड्रीम्स, यस इट इज। तो खैर, इसको करता हूँ पैक और दूसरा हेलमेट फटाफट जाता हूँ लेके आता हूँ, इसको पैक कर लेता हूँ। वो नहीं चाहिए मेरे को, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है फिलहाल। चलो सही है, ये हेलमेट मेरे को सही लग रहा है, प्रेशर भी झेल रहा है, नीचे नहीं आ रहा और सही चल रहा है। कलर वलर का क्या सीन है, हेलमेट मेन चाहिए था, बाकी जो अच्छे वाला हेलमेट है वो तो हमने ले लिया है, वो तो मैनिफेस्टेशन के लिए रख लिया बस, समझो जिस दिन आएगा अपने पास बुलेट उस दिन करेंगे यूज़।